हेलो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टिम्बर रूफ ट्रसेस। राइट, बहुत सारे लोगों को ट्रसेस के बारे में पता है, लेकिन मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ ताकि हम डिजाइनिंग में जब आएँ तो हम इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। राइट, तो मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया हुआ है। राइट, ये है किंग पोस्ट ट्रस, है ना। आप, मैं ट्रसेस के बारे में नहीं बताऊँगा, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल मेम्बर से काम है तो मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ट्रसेस का पर्पस क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुए। तो टिम्बर के ब्लॉक्स को जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन मेथड से हम ऐसे फ्रेम्स तैयार करते थे जो एक नॉर्मल ब्लॉक से ज़्यादा लोड कैरी कर सके। राइट, ये हमारा पर्पस था कि हम कुछ ऐसे शेप बना दें कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ओके, एंड देन वी केम टू दी ट्रसेस। राइट, ट्रसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, परफेक्ट ट्रसेस, इम्परफेक्ट ट्रसेस, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो ट्रसेस कुछ नहीं है ना, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल ट्रस देखो तो यही तो मेंबर है सर। और इस मेंबर की खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि जैसे ही आप लोड लगाते हैं तो लोड रिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, लोड रिजॉल्व हो जाता है। अगर ये सिर्फ एक सीधा रेक्टेंगुलर मेंबर होता और ऐसे आप लोड लगा रहे होते तो क्या होता, ये वाला जो लोड है ये पूरा सिर्फ पूरा लोड एक ही पॉइंट से ट्रांसफर होता। या फिर अगर इसको आप विड्थ में बनाते हैं तो ऐसे देखिए कि सपोज इस तरीके का मेंबर होता, इस तरीके का मेंबर होता, आपने लोड लगाया तो लोड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन पूरा लोड उतना ही रहेगा। अगर 20 किलो न्यूटन लगा रहे हैं तो मतलब इस मेंबर पे कितना है, 20 किलो न्यूटन। लेकिन आपने यहाँ पर जैसे ही लोड लगाया तुरंत लोड इंस्टेंस के साथ ही रिजॉल्व हो गया, एंड जैसे ही रिजॉल्व हो गया तो मेंबर पे जो स्ट्रेस आ रहा था वो कम हो गया। राइट, ये ट्रायंगुलर सेक्शन की प्रॉपर्टीज है। तो हमने फिर ट्रायंगुलर सेक्शन को कंसीडर करके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस बनाई, जिसमें से किंग पोस्ट ट्रस होता है, क्वीन पोस्ट ट्रस होता है। क्वीन पोस्ट ट्रस में ये मेंबर ऐसे हो जाते हैं। ओके, अब इसमें जो मेन स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड कैरी कर रहे हैं वो क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है ये, दैट इज प्रिंसिपल ब्लॉक। जैसे ही आपने लोड लगाया ना तो सबसे पहले लोड कहां पर ट्रांसफर होगा, प्रिंसिपल राफ्टर्स में ट्रांसफर होगा। राइट, और जैसे ही प्रिंसिपल राफ्टर में लोड ट्रांसफर होगा तो आपको यह समझना होगा कि लोड क्या करने का ट्राई कर रहा है। हमने ये भी पढ़ लिया है, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करिए और बताइए कि अगर डायरेक्ट में लोड ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये लोड इन मेंबर्स को क्या करेगा। देखो यहां पर तो सपोर्ट है, सपोर्ट है, और सपोर्ट से ही क्या मिलती है, रिएक्शन। तो ये अपवर्ड रिएक्शन लगेगी, यहाँ पर ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो प्रिंसिपल राफ्टर कैसे आ जाएंगे, कहाँ पर, कंप्रेशन में आ जाएंगे। प्रिंसिपल राफ्टर्स किस में आ जाएंगे, कंप्रेशन में आ जाएंगे। मतलब कि अगर आपको प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन करना होगा तो किस में डिजाइन करना होगा, कंप्रेशन में डिजाइन करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। राइट, सिमिलरली टाई बीम के लिए देखिए क्या है। अब ये कंप्रेस हो रहा है, राइट, कंप्रेस हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। राइट, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर गए, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो टाई बीम क्या होगी, स्ट्रेच होगी। राइट, तो टाई बीम में क्या होगा, टाई बीम में टेंशन जनरेट होगा, टाई बीम में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। और यही हमारे दो मेन स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं ट्रसेस की डिजाइन में। राइट, हमें यह देखना होता है कि प्रिंसिपल राफ्टर कितना लोड कैरी कर सकता है। ओके, एंड टाई बीम कितना लोड कैरी कर सकती है, और दोनों का नेचर क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर कंप्रेशन में होगा एंड टाई बीम टेंशन में होगा। राइट, देखो वैसे तो इसमें मैं थ्योरी पढ़ाने के मूड में था नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो अगर आप इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में मत देखो तब भी सिर्फ कॉमन सेंस से समझ में आनी चाहिए। जो अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इस पूरी ट्रस की स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी तो आप क्या बताओगे। स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं कि आपने ये ट्रस बनाया है और इसकी स्ट्रेंथ आप बताइए किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मटेरियल स्ट्रेंथ, और मटेरियल स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है कि आपने जो वुड यूज किया है, जो टिम्बर यूज किया है वो किस ग्रेड का है। राइट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो टिम्बर की स्ट्रेंथ होगी उसी के आसपास आपको जो ट्रस है उसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। राइट, सेकेंड क्या होता है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन। अब आप एक बात बताइए, ट्रसेस हमने क्या किया? ट्रसेस हमने ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स लिए और उनको आपस में कनेक्ट करके एक ट्रायंगल शेप में अरेंज कर दिया। अब अगर ये कनेक्शन, सपोज यहां पर जो कनेक्शन है राइट, या यहां पर जो कनेक्शन है, ये कनेक्शंस अगर लूज हो जाते हैं या ये कनेक्शंस फेल हो जाते हैं, तो क्या ट्रसेस वो स्ट्रेंथ आपको दे पाएगा जिसके लिए आपने डिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। यानी कनेक्शन की स्ट्रेंथ प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ है वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि मटेरियल की स्ट्रेंथ है, राइट? अब इसमें कौन कौन से तरीके से कनेक्शंस हो सकते हैं? सबको पता है, हम नेल कर सकते हैं, राइट? टिम्बर में हम क्या कर सकते हैं? नेल कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? बोल्ट कर सकते हैं और पेक्स कर सकते हैं, पेक्स का यूज कर सकते हैं। ये कुछ कनेक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं किसमें? टिम्बर स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा है आपको? आई होप क्लियर होगा, राइट? दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो लोड, आपका एप्लीकेशन ऑफ लोड है, हमने ये भी डिस्कस किया था जब हमने एनालिसिस ऑफ ट्रस किया था कि कभी भी मेंबर्स पे लोडिंग नहीं होगी, कभी भी मेंबर्स पे लोडिंग नहीं होगी। अगर आप मेंबर्स पे लोड लगा रहे हैं ना, तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। आपको मेंबर्स पे बजाने, कहाँ लगाने लोड? ज्वाइंट्स पे लगाने, राइट? जहां पर ज्वाइंट होगा, अगर आप वहां पर लोडिंग लगाओगे तभी ये ट्रस एफिशिएंटली काम करेंगे, राइट? आपने कहा कि डायरेक्ट मेंबर पे लोड लगा देते हैं, आपने कोई एक दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर यहां से उठाया है ना, और वो स्ट्रक्चर आपने यहां से बनाना शुरू कर दिया, मतलब डायरेक्ट लोडिंग आपने कहां कर दी? मेंबर पे कर दी। वो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, राइट? तो ये कुछ सिस्टम है जिन पर डिपेंड करती है तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर डिपेंड करती है आपकी ट्रसेस की स्ट्रेंथ, क्लियर है? अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ लूज कर सकता है आपका टिम्बर ट्रस, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। दैट इज फेलियर ऑफ ट्रस, मतलब ट्रस कब कब फेल कर सकता है। देखो टिम्बर की जो है ना, सबसे बड़ी परेशानी होती है मॉइस्चर। क्या होती है? मॉइस्चर। अगर किसी भी तरीके से मॉइस्चर एंटर कर गया आपके सिस्टम में, राइट, तो फिर चाहे वो ट्रस हो चाहे कोई और मेंबर हो, टिम्बर नहीं बचता, राइट? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मॉइस्चर है उसकी एंट्री ना हो पाए हमारे मेंबर्स में, स्पेशली टिम्बर स्ट्रक्चर में, राइट? और अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग गैप। मतलब मॉइस्चर पेनिट्रेट कर जाता है आपके स्ट्रक्चरल मेंबर में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ ट्रस हो सकता है। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा टिम्बर में? रॉटिंग हो सकती है और इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, राइट? यार वो भी इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपने डैम्पनेस, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल कर लिया है, तो ये वाला भी पार्ट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपके टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट जनरेट हो रहा है, राइट, मतलब उसका, उसकी एंट्री किसी ना किसी वजह से, किसी अदर मीडियम से हो रही है आपके टिम्बर ब्लॉक्स में, तो फिर ये वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है? डेंसिटी कम कर देता है। जैसे ही इंसेक्ट अटैक्ट होता है ना, तो मतलब कुछ पार्ट ऑफ टिम्बर, ये जो इंसेक्ट होते हैं उसको खा लेते हैं या पाउडर की फॉर्म में बना देते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है तो आपको छोटे छोटे होल्स दिखते हैं, जिसका मतलब है कि डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी कम हो गई है, अगर जैसे ही आपने टेंसाइल फोर्स लगाया आपको क्रैक दिखेगा, या फिर वहां से आपका टिम्बर फेल कर सकता है, राइट? एंड थर्ड, इन द केस ऑफ टिम्बर ट्रसेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉइंट फेलियर। क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके जॉइंट्स पे,
जो सारे मेंबर्स हैं, मतलब जो कंप्रेशन लेने वाला मेंबर है और टेंशन में लेने वाला मेंबर है, वो आपस में ज्वाइन सिर्फ किस बेसिस पे हुए हैं कि आपका कनेक्शन कैसा है। तो अगर आपका कनेक्शन लूज हो गया तो ये एज ए स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, एंड अगर ये फेल कर जाएगा मीन्स इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, एंड दैट इज वन ऑफ द फेलियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? अब देखिए, रूफ ट्रसेस का मतलब क्या है कि आपकी जो रूफिंग है ना, उसका जो लोड है वो ट्रस पर आ रहा है, इतना ही तो मतलब है, राइट? मतलब जो आप रूफ बना रहे हो उसका लोड किस पर आ रहा है? ट्रस पर आ रहा है, राइट? आप कभी भी किसी भी हिल स्टेशन पे जो रूफिंग है उसको ध्यान से देखो, ट्रस बनाते हैं और उसके ऊपर शीटिंग लगा देते हैं, यही है, मतलब कि जो रूफ है उसका लोड ट्रस पर आ रहा है। इन द केस ऑफ रूफ ट्रस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोड लग सकते हैं, राइट? और उन लोड के हिसाब से ही हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन बनता है, ओके? अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है तब भी सिर्फ सुनते रहिए, बहुत ही ईजी है, सिर्फ कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा, राइट? चलिए मूव करते हैं लोड कॉम्बिनेशन। लोड कंडीशंस या फिर कॉम्बिनेशंस, ओके। लोड कॉम्बिनेशंस मतलब कि कितने तरीके के लोड मिलकर आपके ट्रसेस पर लग रहे होंगे, लेकिन उससे पहले लोड समझिए। सबसे पहला लोड कौन सा होगा? डेड लोड। सबसे पहला लोड कौन सा होगा? डेड लोड होगा। डेड लोड क्या है कि जो सेल्फ वेट है, मतलब डेड लोड को इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जो आपके सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स, राइट? हमें लोड समझना होगा, उसकी डायरेक्शन समझनी होगी, मतलब जितने भी मेंबर यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो टाई बीम हो, चाहे वो प्रिंसिपल राफ्टर हो, कॉमन राफ्टर हो, पर्लिन हो, किसी भी तरीके का कोई भी मेंबर हो, उसका लोड क्या हो जाएगा? डेड लोड में आएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, राइट? क्योंकि ग्रेविटी का इंपैक्ट है, ग्रेविटी का क्या है? इम्पैक्ट है, एंड अंडर द ग्रेविटी इम्पैक्ट जितने भी सारे लोड होते हैं, चाहे वो लाइव लोड हो, चाहे वो डेड लोड हो, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी, ठीक है? लाइव लोड, देखो ट्रसेस की शेप ऐसी है ना कि ट्रसेस अप्रोचेबल नहीं होते, राइट? आपने कभी किसी को देखा है क्या कि ट्रस के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि ट्रायंगल है ना, आपको प्लेन बेस मिलेगा, राइट? और जब तक प्लेन बेस नहीं मिलेगा तब तक जितने भी लाइन लोड हैं क्या वहां पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। तो लाइन लोड हम कंसीडर नहीं करते हैं डिजाइनिंग में, ये सिर्फ एक कंडीशन पर लाइन लोड को कंसीडर किया जाता है, और सिर्फ वही कंडीशन होती है जहां पर हम एक्सेस करते हैं। अगर रिपेयर्स है, जो आपकी रूफ ट्रसेस हैं वो क्या होंगी? अप्रोचेबल फॉर रिपेयर्स ओनली। मतलब कि अगर कोई खराबी आ गई है उसको ठीक करने के लिए सिर्फ आप अप्रोच कर सकते हो, वरना ये अप्रोचेबल नहीं होती है, इसलिए हम लाइव लोड को कंसीडर नहीं कर सकते। थर्ड इज स्नो लोड। थर्ड इज व्हाट? स्नो। अगर आप हिल स्टेशन पे बना रहे हैं और वहां पर फ्रीक्वेंट या इसी सीजन के किसी टाइम पर स्नोफॉल होता है, तो आपको स्नो लोड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? अब स्नो नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, कैसे होगा? ऊपर से नीचे ही जाएगा, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाती है? डाउनवर्ड। इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाती है? डाउनवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज विंड लोड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज विंड लोड, राइट? अब विंड लोड के बारे में आप नहीं बोल सकते हो कि वो अपवर्ड ही होगा या डाउनवर्ड होगा, राइट? विंड लोड का इम्पैक्ट नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, राइट? यानी विंड लोड, आप जो लोडिंग है वो डाउनवर्ड भी पुश कर सकती है एंड अपवर्ड भी पुश कर सकती है, तो ये दोनों ही डायरेक्शन में होता है और इसी की वजह से लोड कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसी की
वजह से क्या बनते हैं, लोड कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट। तो ये लोड तो हमें समझ में आ गई कि रेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, स्नो लोड होता है, विंड लोड होता है। अब इन लोडिंग के साथ ही कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट इज, बस डायरेक्शन याद रखना अपने आप देगा, डेड लोड प्लस स्नो लोड प्लस ही होगा ना, क्योंकि डेड लोड भी डाउन लोड डाउनवर्ड था, स्नो लोड भी क्या है डाउनवर्ड सर, प्लस विंड लोड, बट कंडीशन क्या है अगर ये डाउनवर्ड है, विंड लोड कंडीशन क्या है अगर ये डाउनवर्ड है, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, बी कंडीशन, विंड लोड अगर ये अपवर्ड है राइट माइनस डेड लोड, राइट। देखो अपवर्ड फोर्स को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसे डेड लोड माइनस विंड लोड भी बोल सकते हो, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास मेनली दो कंडीशंस होती हैं लोड कॉम्बिनेशंस की, वो डिपेंड करती है कि जो आपका विंड लोड है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब हम आ जाते हैं डिजाइन, पहले ये समझिए डिजाइन होता है। मुझे लगता है मैं क्लियर कर दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, डिजाइन ठीक है। हमें हमारे पास ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स कौन कौन से, देखो ये जो कॉमन राफ्टर है ना ये स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं, आपका जो लोड कैरी करेगा ना सिर्फ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाइबिंग, यही दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं आपके पास। तो प्रिंसिपल राफ्टर और टाइबिंग को हम डिजाइन करेंगे। हमने ये देख लिया था कि प्रिंसिपल राफ्टर में क्या आता है, कंप्रेशन आता है राइट। तो प्रिंसिपल राफ्टर को बिल्कुल सिमिलरली वैसे डिजाइन करोगे जैसे आप कॉलम को डिजाइन करते हैं, सेम इज डिजाइन इज टेबल कॉलम, डिजाइन इज टेबल कॉलम, बिल्कुल सेम वैसे, क्योंकि कॉलम भी क्या होता है कंप्रेसिव मेंबर होता है, उसमें भी कंप्रेशन आ रहा है सिर्फ राइट। तो बिल्कुल सिमिलरली वैसे डिजाइन करेंगे जैसे हम टिम्बर कॉलम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज टाइबर, अब आप बोलेंगे कि टाई बीम को भी टिम्बर बीम की तरह डिजाइन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको समझना होगा कि टाई बीम और बीम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर टाई बीम क्यों बीम में क्या है, आपका लोड लगा और बेंडिंग हुई राइट, बीम इन्वॉल्व है बेंडिंग के साथ, किसके साथ इन्वॉल्व है बेंडिंग के साथ, जिसे हम फ्लेक्सर बीम बोलते हैं राइट। तो हम क्या करते हैं कि अगर बेंडिंग हो गई है तो इसका जो डिजाइन प्रोसीजर है वो बेंडिंग मूवमेंट के आसपास घूमता है। हम पहले बेंडिंग मूवमेंट में डिजाइन करते हैं, फिर हम बियरिंग देखते हैं, शेयर देखते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं, उसमें चेक करते हैं, तब ये डिजाइन कंप्लीट होता है टिम्बर बीम का। बट इन द केस ऑफ टाई बीम देयर इज नो बेंडिंग, देयर इज नो बेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर बीम बेंडिंग मूवमेंट नहीं लेती, यहां पर कोई बेंडिंग नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है टेंशन है, टाई बीम सिर्फ क्या कैरी कर रही है टेंशन, नो बेंडिंग। जबकि बीम क्या होती है, बीम आपकी बेंड हो जाती है जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं राइट। तो आपको उस तरीके से बीम को डिजाइन करना होता है। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और बेंडिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट लोडिंग ही नहीं है राइट। देखो यहां से लोड ट्रांसफर हो गई इधर आ गया राइट, कोई डायरेक्ट बेंडिंग नहीं है, सॉरी डायरेक्ट लोडिंग नहीं है। यहां से जो फोर्स आया उसका इंपैक्ट सिर्फ इतना है कि वो स्ट्रेच कर रहा है, और स्ट्रेच कर रहा है तो टेंशन आ रही है, स्ट्रेच कर रहा है तो क्या आ रही है टेंशन आ रही है। और सिर्फ उसी टेंसाइल फोर्स के लिए हमें क्या करना है, डिजाइन करना है राइट। तो बीम तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन होती है, टाई बीम सिर्फ किसके लिए डिजाइन होती है टेंशन के लिए। और अगर सिर्फ टेंशन है तो हमें पता होगी कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है ना,
टेंसाइल स्ट्रेस अगर हमें पता है तो सिर्फ डायरेक्टली आप निकाल लो कि टेंशन के लिए कितना एरिया चाहिए। कैसे निकालोगे? उसे हम बोलते हैं नेट एरिया इज इक्वल टू जो टोटल टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स एंड डिवाइडेड बाई एफ टी। एफ टी क्या है? स्ट्रेस इन टेंशन पैरेलल जब कोई चीज खिंच रही होती है ना तो उसकी डेंसिटी कम होती है, राइट? आप प्लास्टिक ले लो, कोई उसको खींचो पतला होता जाएगा, इसका मतलब क्या है? डेंसिटी कम हो रही है। और जैसे ही डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो टेंशन में जब भी बात होगी ना तो ये आप जितना एरिया आ रहा है ना सिर्फ वो प्रोवाइड नहीं करोगे, इनफैक्ट नेट एरिया की जगह प्रोवाइड करोगे आप। नीचे जगह है वरना इधर लिख देता हूँ, नेट एरिया की जगह आप प्रोवाइड करोगे ग्रॉस एरिया। क्यों? क्योंकि जब हम कनेक्शन करेंगे ना तो कनेक्शन में होल्स होते हैं, राइट? आप नेल करोगे तो मतलब उतना मटीरियल तो निकाल दिया आपने ना जितना नेल है, राइट? बोल्ट करोगे तो एक होल करोगे फिर बोल्ट करोगे तो मटीरियल का लॉस होता है, और उसके बाद जब स्ट्रेच भी करने लगे आप तो और डेंसिटी कम हो रही है, राइट? तो जितने की हमें रिक्वायर्ड है हम उससे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं सेफ रहने के लिए। एंड कितना ज्यादा प्रोवाइड करते हैं? 25% मोर देन नेट एरिया। 25% मोर देन नेट एरिया, कितना ज्यादा प्रोवाइड करते हैं? 25%। मतलब सपोज नेट एरिया आ रहा है आपका 100 mm square, तो आप ग्रॉस एरिया कितना प्रोवाइड करोगे? 125 mm square। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो प्रिंसिपल राफ्टर को तो हम टिम्बर कॉलम की तरह डिजाइन कर देंगे और टाई बीम को हम टेंशन में डिजाइन कर देंगे। क्लियर है? ओके। अब ट्रसेस में ना एक बहुत ही टेक्निकल डिटेल है जो हमें थोड़ा सा बाद में पता चली। देखो ये ट्रसेस तो कई सौ सालों से बन रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये हमने थोड़ा सा बाद में ऑब्जर्व किया, एंड इसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? देखो समझते हैं क्या होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? देखो हम उतनी देर से चीख चीख के कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसमें कंप्रेशन आएगा, जो टाई बीम है उसमें टेंशन आएगा, राइट? ये हमने पढ़ लिया, बट होता क्या है कभी कभी कि विंड कुछ ऐसे डायरेक्शन से फोर्स लगा रही होती है कि जो जो नेचुरल नेचर है ना मेंबर्स का वो चेंज हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल राफ्टर्स टेंशन में आ जाते हैं एंड टाई बीम कंप्रेशन में आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? सो हम कह सकते हैं द मेंबर्स हु आर हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, राइट, और कंप्रेसिव फोर्स अंडर द ग्रेविटी लोड, मतलब जो नॉर्मल लोडिंग है उसके अंडर अगर वो कंप्रेशन में थे तो विंड की वजह से क्या हो जाएंगे? टेंशन में आ जाएंगे, राइट? और अगर ग्रेविटी लोड की वजह से टेंशन में थे तो क्या होंगे? कंप्रेशन में आ जाएंगे। तो हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस को क्या बोल सकते हैं कि जो मेंबर्स एक्चुअली पहले कंप्रेसिव फोर्स फील कर रहे थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड लोड, दे कैन एक्सपीरियंस द टेंसाइल फोर्स, राइट? एंड दैट इज द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? मतलब पहले कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थी, अभी क्या हो गई? टेंसाइल स्ट्रेसेस। मतलब प्रिंसिपल राफ्टर जो कि पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस फील कर रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड लोड, इट कैन ऑल्सो फील टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस। समझ में आ रहा है, राइट? और ये क्या हो गया? रिवर्सल हो गया। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, एंड दैट कैन हैपन आल्सो विद टाई बीम जो कि पहले टेंसाइल स्ट्रेसेस फील कर रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड फोर्सेस, वो क्या फील कर सकती है? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, राइट? अब ये कंडीशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है।
हमें सिर्फ कंप्रेसिव के लिए डिजाइन करके, प्रिंसिपल राफ्टर को सिर्फ कंप्रेसिव में डिजाइन करके आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होता है, जब भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का केस हो तो आप डिजाइन तो उसी में करोगे जो मेंबर का बेसिक नेचर है, मतलब कंप्रेसिव नेचर का मेंबर है तो उसको आप कंप्रेशन में ही डिजाइन करेंगे, बट यू विल चेक इन टेंशन, यू विल चेक इन व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और जब हम टेंसाइल स्ट्रेसेस में चेक करते हैं, प्लीज मैं आई एम कोटिंग अगेन, जब चेक करते हैं तो जो स्ट्रेसेस हैं उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाई 33%, इंक्रीज स्ट्रेस मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस बाई 33%, एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन वी आर चेकिंग इन टेंसाइल स्ट्रेसेस, राइट। और टेंसाइल स्ट्रेसेस चेक कहाँ पर होगी, सिर्फ जब प्रिंसिपल राफ्टर आप डिजाइन कर रहे हो और उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाए, क्लियर है, राइट। सिमिलरली टाई बीम को आप डिजाइन करोगे टेंसाइल स्ट्रेसेस में क्योंकि वो उसका ओरिजिनल नेचर है, एंड देन फिर चेक करोगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए, एंड फिर चेक किसके लिए करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए, राइट। ये कैसे करते हैं वो हम एक न्यूमेरिकल लेके समझते हैं, बट आई होप आपको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्लियर है, राइट। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों दिया हुआ है, राइट। सिमिलरली जो टाई बीम है उसमें टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये केस है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का, मतलब प्रिंसिपल राफ्टर में अगर टेंशन आ रही है एंड टाई बीम में अगर कंप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका केस है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी डिटेल्स ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, राइट। हम पहले डिजाइन करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, राइट, यहाँ से, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल राफ्टर का डिजाइन है वो बिल्कुल आपके कंप्रेशन मेंबर की तरह ही होता है, राइट। तो कंप्रेशन मेंबर जैसे डिजाइन होता है वैसे हम डिजाइन करके देख लेते हैं। यहाँ पर लेंथ कितनी की है प्रिंसिपल राफ्टर की, 3.25 मीटर, राइट, लेंथ इज 3.25 मीटर, राइट, ओके। कंप्रेशन फोर्स कितना है यहाँ पर, कंप्रेशन फोर्स है 60 किलोन्यूटन एंड टेंशन फोर्स है 70 किलोन्यूटन, कंप्रेशन इज 60 एंड टेंशन इज 70, राइट, ओके। नाउ इसका मतलब क्या है कि हम डिजाइन करेंगे कंप्रेशन में यानी 60 किलो न्यूटन के लिए एंड 70 किलो न्यूटन जो कि टेंशन है उसके लिए चेक कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप होता था यहाँ पर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट है, क्या है, डेप्थ निकालते थे, क्या निकालते थे, मिनिमम डेप्थ, और ये मिनिमम डेप्थ का क्राइटेरिया क्या होता था, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, यही तो होता ना, स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालते थे, हम जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसको मैक्सिमम पुट कर देते थे। स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता था इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इस लेटरल डायमेंशन को हम यूजुअली डेप्थ लेते हैं, क्या लेते हैं, डेप्थ लेते हैं, अगर आपने ले लिया मतलब डेप्थ को आप लीस्ट डायमेंशन मान लो। अब यहां से देखो, अगर इस वैल्यू को मैं मैक्सिमम दे लेता हूँ तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और ये वैल्यू मैक्सिमम होती है 50, जो स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, 50 होता है। तो अगर ये 50 है तो यहाँ से डी मिनिमम कितना आ जाएगा, 3.25 × 1000/50, सॉल्व करिए, ये सॉल्व होके आता है 65 mm, कितना आता है, 65 mm, मतलब मिनिमम इतनी डेप्थ तो चाहिए, राइट। अगर आपको इस लेंथ का कोई मेंबर बनाना है तो इतनी डेप्थ तो चाहिए, और अगर इतनी डेप्थ चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी बढ़ाकर कोई डेप्थ ज्यूम कर लेते हैं, आगे चल के चेक करेंगे, देखते हैं कि बात बनती है कि नहीं बनती है। तो हम कर लेते हैं कि डी जो है, लेट्स से जो डी है दैट इज 100, जो डी है वो कितना है, 100, क्लियरली समझ में आ रहा है सभी को, डी कितना हो गया, 100 mm, ओके। नाउ
अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, क्योंकि वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि हम अपना कॉलम शॉर्ट डिजाइन करें, इंटरमीडिएट डिजाइन करें या फिर लॉन्ग डिजाइन करें। नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो एंड दैट इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ अगेन 3250 डिवाइडेड बाई, अब कितना है डेप्थ 100, तो ये कितना आ गया 32.5। अब हमें पता है कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो 11 से कम है तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। 11 से ज्यादा है कि 8 से कम है तो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, राइट। सॉरी 11 से ज्यादा है कि 8 से कम है तो इंटरमीडिएट हो जाता है, एंड कि 8 से ज्यादा है तो लॉन्ग हो जाएगा। हमें ये तो पता चल गया शॉर्ट नहीं है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 11, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि इंटरमीडिएट है या फिर लॉन्ग है। उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, के 8, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के 8, राइट। एंड के 8 का फॉर्मूला होता है 0.584 अंडर रूट ई अपॉन एफ सी पी। अब जो आपको वुड दी हुई है दैट इज टीक वुड, उसके लिए ई का वैल्यू क्या होता है 9.42। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे दिस वुड बी 0.584 इंटू 1000 एंड उसके लिए FCP मीन्स कंप्रेशन पैरेलल टू द ग्रेन, उसकी वैल्यू क्या है इनसाइड लोकेशन के लिए दैट इज 8.63। देखो अगर लोकेशंस आपको नहीं गिवन है ना तो आप अपने मन से एज्यूम कर लीजिए, राइट, और जो आप एज्यूम करिए उसी के लिए डिजाइन कर लीजिए। ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन नहीं थी, आप अपने मन से एज्यूम करिए कंडीशन। मैं इनसाइड लोकेशन ले रहा हूँ एंड दैट इज 8.63, करेक्ट 8.63। इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 19.29। इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 19.29। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, 19.29, क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या है किया, मिनिमम डेप्थ निकाल लिया है स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 50 होता है, मिनिमम डेप्थ आ गई, उससे थोड़ी सी बड़ी वाली डेप्थ मैंने एज्यूम कर ली है। वो एज्यूम करने के बाद अब मैंने एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो निकाला तो वो आया 32.5। इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 11, तो कॉलम इज नॉट शॉर्ट, बट हमें ये पता करना था इंटरमीडिएट है या फिर लॉन्ग है, उसके लिए हमने क्या किया कि 8 की वैल्यू निकाल दी, राइट, समझ में आ रहा है, राइट। नाउ ओके अब जैसे ही वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम निकाल सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेस, राइट। क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड स्ट्रेस, क्योंकि हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 11 एंड लेस, जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट के 8 में, जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है वो क्या है कि 8 से भी ज्यादा है, और के 8 से ज्यादा है तो हमारा कॉलम कैसा है, कॉलम इज व्हाट लॉन्ग। अब अगर कॉलम लॉन्ग है तो उसके लिए आपको कोर्ट से एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू पता है एफसी, कोर्ट में देखिए अपने क्या होता है दैट इज 0.329E अपॉन S upon D to the whole square, ये होता है FC की value, right? Now again सारी values आपको पता है 0.329 into 9.42 into 10 to the power 3 divided by 3250 divided by 100 to the whole square. S क्या है आपकी effective length हो जाती है, E क्या है modulus of elasticity, कोर्ट से आपको सारी values मिल जाएंगी। इसको solve करिए, मेरे पास जो वैल्यू है सॉल्व होके दैट इज 2.93 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट इज 2.93 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 2.93 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है, ऑलराइट। ठीक है ओके, ये स्ट्रेस लग रही है, अब आपको देखना है कि लोड कैरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारे पास डेप्थ आ गई है, दूसरा मेंबर, दूसरा साइड हमें निकालना है दैट इज क्या निकालना है, विड्थ। अब देखो फोर्थ लोड इज इक्वल टू क्या होता है,
स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। लोड इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर देखो ये हो जाएगा एफ सी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। क्या होगा? विड्थ इंटू डेप्थ, विड्थ इंटू डेप्थ। और लोड कितना चाहिए हमें कंप्रेसर में? 60। सो दैट इज 60 इंटू 10^3 क्योंकि किलोन्यूटन में है। जो एफ सी की वैल्यू है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, तो इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। राइट, तो यहां से 60,000 इज इक्वल टू 2.93 इंटू डी कितना है 100 इंटू बी। यहां से सॉल्व करते हैं और देखते हैं बी कितना आता है। चलिए आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ये वैल्यू मेरे पास भी सॉल्व नहीं है अभी। 60,000 डिवाइडेड बाय दैट इज 2.93 इंटू 100 और ये वैल्यू आती है 204.778। राइट, अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। राइट, ऐसे राउंड ऑफ करिए फेलियर के चांसेस कम। इसको बोलती है 250। मतलब आपका कंप्रेसर में तो काम हो गया, आपने डिजाइन कर दिया मेंबर। आपकी विड्थ कितनी आ गई? 100 आ गई। सॉरी, डेप्थ कितनी आ गई? 100 आ गई। और विड्थ कितनी आ गई? 250 आ गई। राइट, यानी जो प्रिंसिपल राफ्टर है वो कंप्रेसर में उसे क्या चाहिए होगा? उसे चाहिए 100/250 का मेंबर। अगर आपको आपकी जो लेंथ है वो 3.25 है और उसमें लोड लग रहा है 60 kN, तो ये वाला मेंबर इतना काम कैरी कर लेगा। राइट, इतना काम आपका कर देगा। बट इतने से बात तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का सीन है, और अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस है तो आपको टेंसाइल स्ट्रेसेस में चेक करना पड़ेगा। राइट, चलिए जल्दी से चेक करते देखते क्या आता है। राइट, देखिए आपके पास अगर कोई वैल्यू नहीं हो प्लीज वीडियो में पीछे जाइए और वैल्यू देख लीजिए। ओके, देन चेक फॉर टेंसाइल। चेक फॉर टेंशन। अब मैं याद करिए मैंने टेंशन में क्या बताया था कि जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेस है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 33% इंक्रीज हो जाएगी। अब टीक वुड में देखिए आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस कितनी है इनसाइड लोकेशन के लिए। बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेसेस इनसाइड लोकेशन के लिए कितनी होती है? एंड दैट वुड बी 13.73। राइट, सो एफ टी नॉर्मली कितनी होती है? 13.73। राइट, इनसाइड लोकेशन के लिए। बट यहाँ पर क्या होगा? 13.73 मल्टीप्लाई बाई 1.33, क्योंकि 33% क्या करना है? इंक्रीज करना है। 100% इंक्रीज करना हो 1 का मल्टीप्लाई होता है 2 का होता है। अब अगर 33 है, पहले कितना था 1, 33 और हो गया कितना हो गया 1.33 का मल्टीप्लाई। यानी अब जो स्ट्रेस आप लोगे इसे एफ डैश बोल देते हैं। एफ डैश टी कितना होगा? कितना? अब फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है। नेट एरिया इज इक्वल टू जो टोटल टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एफ डैश टी। टेंसाइल फोर्स कितना है? 70 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई 13.73 इंटू 1.33। राइट, चलिए फटाफट से सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आता है इसको। 70,000 डिवाइडेड बाई 13.73 मल्टीप्लाइड बाई 1.33 एंड दैट इज 3833.326। दिस इज 3833.326 mm². राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल राफ्टर में टेंसाइल फोर्स आ रहा होता, राइट, तो आपको इतना एरिया चाहिए। राइट, इतना एरिया चाहिए और आपने प्रोवाइड कितना किया है? नेट एरिया नहीं प्रोवाइड करते हैं हम। जब भी टेंशन की बात होती है हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रॉस एरिया। एंड ग्रॉस एरिया इज अगेन व्हाट? 25% मोर देन द नेट एरिया। 25% मोर देन द नेट एरिया मींस 3833.326 मल्टीप्लाई बाय 125। और इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ।
इसका रीज़न क्या है कि हम होल्स करते हैं, बहुत सारी कट होती है, फिनिशिंग होती है, और फिर अगर टेंसाइल फोर्सेस लग गए तो डेंसिटी कम होती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम एडिशनली फॉर दी सेफ्टी कुछ एरिया प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 25% मोर। चलिए 3833.326 × 1.25 एंड दैट इज 4791.657 इतना एरिया चाहिए अगर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही है राफ्टर में उसमें सेफ रहना है। अरे ठीक है, प्रोवाइड कितना किया है वो तो देखो, एरिया प्रोवाइडेड 100 × 250 दैट इज 25,000 mm² 25,000 mm². देखो ये इस 25,000 में कंप्रेशन तो पहले ही सेफ था, लेकिन इसको कितना चाहिए सिर्फ सेफ होने के लिए, ऑलमोस्ट 4,700 बट प्रोवाइड कितना गया 25,000, सो इट इज ऑलरेडी सेफ। सो इट इज ऑलरेडी सेफ, समझ में आ रहा होगा आपको राइट भाई, 4,700 चाहिए था, आपने 25,000 प्रोवाइड किया, कैसे नहीं होगा सेफ राइट, ऑटोमेटिकली क्या है सेफ है, हमने क्या किया कंप्रेशन में डिजाइन किया और टेंसाइल स्ट्रेसेस में चेक कर लिया, क्लियर है। चलिए प्रिंसिपल ड्राफ्टर का तो डिजाइन हो गया, टाइपिंग में कूदते हैं फटाफट। ओके सो दैट इज बी, दिस इज टाई बी, मुझे याद नहीं है कि मैंने 1 2 लिखा था या यही लिखा था, बट इसकी पहले डिटेल नोट कर लेते हैं। लेंथ कितना है 2.5 मीटर, देन टेंशन फोर्स लग रहा है 70 किलोन्यूटन एंड कंप्रेशन कितना लग रहा है 80 किलोन्यूटन ड्यू टू विंड, ऑब्वियसली रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस है इसलिए राइट 80 किलोन्यूटन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए इसे, अब हमें डिजाइन किस में करना पड़ेगा, टेंशन में करना पड़ेगा राइट बिल्कुल। सो फर्स्ट है, अब जब हम डिजाइन टेंशन में करते हैं तो स्ट्रेसेस नहीं बढ़ाते हैं राइट, तो जो स्ट्रेस रहेगी वो कितनी रहेगी 13.73 ही रहेगी, वो जो 33% इंक्रीज है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर चेक्स, और चेक सिर्फ कहाँ करोगे प्रिंसिपल ड्राफ्टर में, तो जब प्रिंसिपल ड्राफ्टर में टेंशन की बात आ रही है तब 33% बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। तो डायरेक्टली नेट एरिया पे आते हैं, जैसे ही नेट एरिया पे आओगे टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय एफटी, टेंशन फोर्स कितना है 70,000 न्यूटन में चेंज कर दिया डिवाइडेड बाय 13.73, देखो सॉल्व करके 70,000 डिवाइडेड बाय 13.73 और ये आता है मेरे पास 5098.32 5098.32 mm², क्लियर है। ये तो नेट एरिया आ गया, बट हम प्रोवाइड कैसे क्या करते हैं ग्रॉस एरिया, अगर आप ग्रॉस एरिया प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा इसको 25% बढ़ा देंगे, यानी 5098.32 × 1.25 × 1.25 दैट इज 6372.90 mm² करेक्ट। देखो टेंशन के लिए इतना एरिया चाहिए, अगर आपको ये टाई बीम इतने लोड के लिए डिजाइन करना है, इतने लोड को कैरी कर पाए ऐसी टाई बीम बनानी है तो इतना एरिया चाहिए 6372.90 क्लियर, टेंशन का काम खत्म हो गया। अब हमें चेक करना है कंप्रेशन में, तो हम क्या करेंगे कि हम कंप्रेशन में कैसा होता है कॉलम की तरह डिजाइन होता है, तो इस मेंबर को भी कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे, देखेंगे कि कितना एरिया चाहिए कंप्रेशन के लिए, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो एरिया बड़ा होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल सा काम राइट। चलिए सेकेंड पार्ट चेक फटाफट से राइट, चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे मिनिमम डेप्थ क्या करेंगे सबसे पहले मिनिमम डेप्थ, और मिनिमम डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है डी मिनिमम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 50, क्योंकि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना था
50 था, तो लेंथ कितना है 25 मीटर। 2500 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया 50 mm, कितना आ गया 50 mm। अब अगर ये 50 mm आ गया है तो अपने हमसे थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूमिंग डी इज इक्वल टू 100 mm, अज्यूमिंग डी इज इक्वल टू व्हाट 100 mm, क्लियर है। अब डी अगर 100 mm है तो फिर एक्चुअल सिलेंडर रेशियो से निकालो, एक्चुअल सिलेंडर रेशियो दैट इज लेंथ अपॉन डेप्थ दैट इज 2500 डिवाइडेड बाय 100, 2500 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल टू 25 कितना आ गया, जो हमारा एक्चुअल सिलेंडर रेशियो क्या आ गया 25। अब दिस इज ग्रेटर देन 11 तो डेफिनेटली नॉट शॉर्ट, शॉर्ट तो नहीं है, या तो क्या होगा इंटरमीडिएट होगा या फिर लॉन्ग होगा। अब देखिए आपने K8 की वैल्यू निकाल रखी थी पहले से, राइट। अब K8 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, देखो K8 का फॉर्मूला देखो 0.529 अंडर रूट E अपॉन FCP, सॉरी 584, 0.584 अंडर रूट E अपॉन FCP, ये होता है ना। तो E और FCP कब चेंज होंगे, जब आप वुड चेंज करोगे, वो तो सेम है। अगर वो सेम है तो फिर जो आपकी K8 की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंड दैट इज 19.29, कितनी रहेगी 19.29। अब K8 से भी अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है तो क्या बोलोगे, कॉलम इज लॉन्ग, राइट। और अगर कॉलम लॉन्ग है तो आपको FCP की वैल्यू का फॉर्मूला पता है, और ये क्या है 0.329 E अपॉन S अपॉन D होल स्क्वायर, 0.329 अपॉन S अपॉन D होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पर S चेंज हो गया, सो 0.329 मल्टीप्लाइड बाय E का वैल्यू कितना था, E का वैल्यू था 9.42 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9.42 अपॉन 1000, इसको नीचे लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा, वरना मुझे जब करना पड़ेगा वो क्वेश्चन चला जाएगा। कितना था वैल्यू 9.42 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई एस का वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू 100, राइट। चलो ओके, सो ये 2500 अपॉन 100 तो 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, राइट। इन सबको सॉल्व करिए, कैल्सियम पुट करिए, जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 4.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज 4.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है, राइट। याद करो जब भी चेक होगा स्ट्रेस क्या होगी, 33% इंक्रीज होगी, इसको भी F-D मान लो, F-D क्या हो जाएगा 4.96 मल्टीप्लाइड बाय 1.33, जब भी चेक करेंगे आपको स्ट्रेस क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, और जैसे ही ये इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा 4.96 इंटू 1.33 दैट इज 6.5968 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 6.5968 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब तो यार काम खत्म हो गया, अब आपको लोड पता है कंप्रेशन में, बी की वैल्यू निकाल, क्या फॉर्मूला होता था, P इज इक्वल टू स्ट्रेस, यहाँ पर डैश सी हो जाएगा इंटू बी इंटू डी, राइट। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा पी अपॉन एफ डैश सी इंटू डी, पी अपॉन एफ डैश सी इंटू डी, पी कितना है 80 kN, चेक किस में कर रहे हो, कंप्रेशन, यानी 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एफ डैश सी इज 6.5968 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये गया ये गया, मीन्स 800 डिवाइडेड बाई
दैट इज 90.953, राइट। सॉरी गलत हो गया, शायद 800 है, मैंने 600 कर दिया। 800 डिवाइडेड बाई 6.9568, दैट इज 114.995 करेक्ट। ओके, अब इसे राउंड ऑफ कर दो यार, कैसे भी करना है इसको। 120 क्या करना है, 120 कर दो, राइट। तो आपके पास डेप्थ कितनी आ गई थी, 100 थी डेप्थ, 100 एंड विड्थ कितनी आ गई, 120। अब अगर इन दोनों का एरिया आप देखो मिला के, राइट, मेरे पास स्पेस यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो एरिया कितना हो गया, 100 × 120, तो कितना हो गया, 12,000 mm square। टेंशन के लिए कितना चाहिए था, 6,300 समथिंग। कंप्रेशन का जब चेक किया तो कंप्रेशन के लिए टाइप बीम को कितना चाहिए, 12,000 क्या प्रोवाइड करोगे, ऑब्वियसली जो बड़ी हो बड़ा हो जाएगा, तो प्रोवाइड टाइप बीम ऑफ साइज 100 × 120। अगर 100 × 120 प्रोवाइड करोगे तो वो टेंशन भी ले लेगा और कंप्रेशन भी ले लेगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, राइट। मैंने कोशिश की है कि जितनी आसानी से आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ, आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है, देखो अब लास्ट में अगर आपको सोल्यूशन की तरह लिखना है तो आप लिख दीजिएगा। डिजाइन डिटेल्स क्या है कि जो आपकी प्रिंसिपल ड्राफ्टर का साइज दैट इज 100 × 200 mm एंड टाइपिंग का साइज दैट इज 100 × 120 mm, राइट। आई होप आपको समझ में आया है। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। पढ़ना पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।